को लाइक शेयर एंड हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आरए व्लॉग 51 के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो सब्सक्राइब कर देगा तो इसी तरह छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एक बार आप तमाम लोगों के बीच आया हो तो बात यह है कि जो लोग जैसे सऊदी में जो हाउस ड्राइवर में आते हैं ना, उन लोगों के बारे में आज कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो मैं सोचा कि आज आप लोगों के बीच कुछ बात करूँ जो लोग सऊदी में रहते हैं हाउस ड्राइवर में, तो वो लोग कैसे रहते हैं, उन लोगों का क्या ड्यूटी आवर होता है, कैसा है नहीं है, इसी सब बातों पे मैं आज फिर से एक बार बात करने के लिए आया हूँ। तो सऊदी ड्राइवर की जो होती है जैसे ड्यूटी, उसकी उनकी ड्यूटी का कोई ये नहीं है कि उनकी ड्यूटी कब चालू है कब यानी ख़त्म है, उनकी ड्यूटी का कोई पता नहीं कि वो यानी सुबह के 6 बजे हो या शाम के 6 बजे हो या फिर रात का 10 बजे हो या दिन का 10 बजे हो, उनकी ड्यूटी का कोई ठीक नहीं, कभी भी उनकी ड्यूटी हो जाती है चालू। तो हमारे हिसाब से जो सऊदी में जो ड्राइवर रहते हैं उसमें से 90% जो ड्राइवर होते हैं वो अपना किसी तरह बेचारे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ आके, क्योंकि उनको उतनी खुशी नहीं होती जो और काम होती है, जैसे हम लोगों का काम है कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, यानी इलेक्ट्रिकल का हो, प्लम्बर का हो, ये सब काम है, जिप्सम भी होता है थोड़ा और पेंट भी होता है, यही सब काम है। तो जो लोग हाउस ड्राइवर में आते हैं ना, उन लोगों को जो है ना काम में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है। अब उन लोगों की ड्यूटी का कोई ठीक नहीं होता कि कितने बजे से ड्यूटी चालू है, कितने बजे ख़त्म होगी, तो इसी वजह से रह गई बात कि जैसे अब होटल हो गया, मॉल हो गया सऊदी में, तो मॉल में क्या ड्यूटी है और होटल में क्या ड्यूटी होती है। तो जैसे मॉल का हो गया, उन लोगों को जो है हफ्ते में भी एक छुट्टी भी नहीं होती है, महीने में एक भी छुट्टी नहीं होती है, वो लोग बस बेचारे महीने के 30 दिन ड्यूटी ही करते हैं, क्योंकि वहाँ ड्यूटी का कोई सिस्टम नहीं होता है। किसी किसी जगह पे जैसे ड्यूटी है मॉल का है जैसे या होटल का है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर 20 वर्कर है किसी होटल में, किसी होटल में 10 वर्कर हैं, तो उसमें सिस्टम ये होता है कि जैसे महीने में 4 जुमा है, तो दो दो जुमा को जैसे 20 वर्कर है तो उसमें से 10 को एक दो जुमे को छुट्टी होती है, और फिर अगला जो 2 जुमा आएगा उसमें अगले 10 वर्कर की छुट्टी होती है, क्योंकि उन लोगों का भी कुछ काम होता है। वैसे ऐसा होता नहीं, बहुत कम जगह पे ऐसा होता है, लेकिन उनकी लोगों की ड्यूटी जो है ना बहुत लंबी होती है और लगभग 12-12 घंटा कहीं कहीं ड्यूटी है किसी किसी होटल में, कहीं कहीं तो 10 घंटा भी होता है, कहीं कहीं पूरा 12-12 घंटा ड्यूटी लेती है। हम जहाँ हमारा रूम है उसके बगल में एक होटल है, वहाँ पर लोग इंडिया के ही रहते हैं, तो वो लोग की जो ड्यूटी है पूरा 12 घंटा होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ड्यूटी आवर जो है बहुत यानी लंबा होता है, जो लोग मॉल में या फिर कॉफ़ी शॉप में या फिर होटल में इन सब जगहों पे जो काम करते हैं, इन लोगों की ड्यूटी का कोई ठिकाना नहीं कब कब ड्यूटी है, यानी कभी होटल में काम करने वाले का कभी दिन में शिफ्ट होता है तो कभी रात में होती है। तो यही है, बाकी जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है उन लोगों का तो कोई मुश्किल नहीं है, उन लोगों की एक ड्यूटी फिक्स होती है कि हमको सुबह 6 से, जिनकी 8 घंटे ड्यूटी है वो 8 घंटे पे उनका छुट्टी हो जाता है, जिनकी 10 घंटे वो 10 घंटे करते हैं, लेकिन जिनकी 8 घंटे है तो वो सुबह 6 से 2 बजे तक उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, और जिनका 10 बजे है उनकी जो ड्यूटी होती है वो लगभग 4 बजे शाम को ख़त्म होता है। लेकिन ड्राइवर लोग का जो है ना, इनका जो ड्यूटी होता है ये किसी भी आदमी को समझ में नहीं आता, इन लोगों की कब ड्यूटी चालू है कब ख़त्म है, इन लोगों का कोई ठीक नहीं है। अब जैसे सऊदी की जो लेडीज़ लोग होती है वो लोग का कोई गारंटी नहीं कब कहाँ उन लोगों का दिल कर गया जाने के लिए। अब ड्राइवर फ़ोन किया, अब खाना खा रहा है, तो ड्राइवर मना भी नहीं कर सकता कि नहीं हम खाना खा रहे हैं अभी नहीं आ सकते, ओके। अब जैसे फ़ोन आएगा उसे उसको ओके बोलना पड़ेगा, उसके बाद जाके गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है वो गाड़ी स्टार्ट करेगा, फिर आएगी जाएगी कहीं घूमने के लिए जाती है। उन लोगों के टाइम का कोई फिक्स नहीं है कि कब जाना है, 10 बजे रात में, 12 बजे रात में, और आएगी कितने बजे वापस। उन लोगों को इस टाइम का कोई लेना देना नहीं कि हाँ भाई चलो अब चलते हैं, ऐसा नहीं। ड्राइवर का भी कोई चिंता कि हाँ भाई ड्राइवर भी हमारे साथ में है, वो कैसा है, खाना खाया है नहीं खाया, तो उन लोगों को कोई ये नहीं है कि हाँ ड्राइवर का। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी है, कोई
इंडिया के ही ड्राइवर आए थे, तो हमारे रूम के बगल में इस तरह हमें वो, तो मैम लोग तो अंदर चली गई थी और जो ड्राइवर थे बेचारे रोड पे घूम रहे थे, तो हमसे मुलाकात हुई, हम उसकी ड्राइवर की इंडिया के ही थे, तो फिर मैं उनको अपने रूम में ले जाकर सुलाया था, फिर उनकी मैम फ़ोन किया, उनको काम ख़त्म हुआ फ़ोन किया, तो वो फिर बेचारे गए गाड़ी लेके अपना। तो ये चीज़ है ड्राइवर की जो ज़िंदगी है ना, हमारे हिसाब से यानी सही नहीं है, बाकी क्या करेगा, ज़िंदगी गुजारने के लिए तो कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई मंजिल तो ढूंढनी ही पड़ेगी, तो उन लोगों की मंजिल उसी में नज़र है, अच्छी लगती है उन लोगों को, तो करते हैं, वैसे काम है करना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से जो ड्राइवर की ज़िंदगी होती है वो थोड़ा, उनकी ड्यूटी का बहुत मुश्किल होता है, कब कहाँ जाना है नहीं जाना है कोई गारंटी नहीं। अगर रूम पे एक रोटी की पैकेट भी इधर लानी है तो ड्राइवर को फ़ोन करो, ड्राइवर लेके आएगा, ड्राइवर को ये करो वो, यानी ड्राइवर को भी थोड़ा आराम नहीं है। बरसात आ गई, अब गाड़ी गंदी हो गई तो सुबह सुबह उठ के गाड़ी को साफ़ करो, ये वो, तो बहुत सारे काम होते हैं। ड्राइवर की ज़िंदगी यहाँ पे बहुत टफ है, जो हाउस ड्राइवर है, बाकी लॉन्ग रूट के जो ड्राइवर है हेवी गाड़ी के, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, सही है, वो लोग अपना कमा खाते हैं, अच्छा है उन लोगों का हमारे हिसाब से। और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे अच्छी लगेगी तो हमारे वीडियो